and welcome. You're watching a special edition of Jab We Met. We are currently at Jamnagar. This is the Reliance Petrochemicals refinery. And with me is Anant Ambani. As a kid, I was fascinated with the Mahouti language. So I learned the Mahouti language back in 2008. So, what's Mahouti language? So, agar aage jana hai to agat bolna hai. Agat. Agat. Pichu jana hai to pichu pichu bolna hai. Pichu pichu. Aur hathi ko agar khada rakhna hai to dhat bolna hai. Dhat. Agar hathi ko aapko bhagana hai to der agat bolna hai. मुल्तानी मिट्टी जो हम जैसे हमारा स्पा ट्रीटमेंट है तो हफ्ते में दो बार इनको मुल्तानी मिट्टी दिया जाता है. इनका हाथी का स्पा चल रहा है. अरे बताओ, एक जगह हाथी का जकूजी चलता है, दूसरी जगह हाथी का स्पा चल रहा है. दिस इज टू काम देम बिकॉज़ देयर स्किन इज वेरी रफ. सो इन द वाइल्ड ऑल्सो दे फाइंड मड एंड सैंड ऑफ सैंड बाथ. सो जस्ट मिमिकिंग द वाइल्ड. मुल्तानी मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप? पंजाब. और ये जो आपको रबर मैट दिख रहा है हर एक एंक्लोजर में, ये इसीलिए है क्योंकि हाथी सीमेंट पर नहीं रहते जंगल में. Okay. तो हमने रबर मैट इसीलिए लगाया, जब वो हाथी सोता है तो उसका पैर को चोट नहीं पहुंचे. जो उनका चल रहा है वो हाथी को डर्माइटिस है. डर्माइटिस क्या होता है? एक स्किन का बीमारी है. हम यहाँ आयुर्वेद का एक छोटा सा पाठशाला खोला है. Okay. जहाँ हमारे पास 4 से 5 आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ हाथी के लिए आयुर्वेद का अलग 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 प्रकार के जड़ी बूटिया से हम इनका जो सुबह से शाम अलग अलग मलम लगाते हैं. डेमो एक्सरे मशीन से ये हाथी को दिखाया जा रहा है कि डरना नहीं है, तो इसको यूज टू किया जा रहा है. तो जब हमें एक्सरे करने का जरूरत होगा तो हाथी डरेगा. तो आप तो फिर जानवरों पे काफी पैसा खर्च कर रहे हैं. ये पैसे की बात है नहीं, ये सेवा की बात है. और ये बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है. जैसे आपको पता है हम एक ट्रस्ट है, तो हमें बहुत सारे लोग फंड करते हैं. सेवा करने में हम कोई पिछाई नहीं रखते. हम जितना हो सके उतना सेवा करते. दिन में जंगल में हाथी घूमते हैं और रात को हाथी उनके घर में चले जाते हैं. जो हमने आपने देखा अभी उनका घर है. ये जो पूरा आपको एक विशाल जंगल जैसे ही इसका नज़ारा दिख रहा है, और हमने जो यहाँ एक ऐसे एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट किया है कि जहाँ जंगली चिड़िया, जंगली पक्षियाँ, जंगली नीलगाय, चीतल, हिरन और बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रजाति के सांप भी यहाँ पाए जाते हैं. ये वो मुल्तानी मिट्टी वाला बात है जी. मुल्तानी वाली मिट्टी वाली बात है. एक्चुअली वो मुल्तानी मिट्टी थी. हाँ. ये हमारा डस्ट सैंड कहते हैं इसको. Okay. तो ये गुजरात से ही पाया जाता है, बनासकांठा से लाया जाता है. So your love for animals comes from your mom's side or your dad's side? My mother has been my biggest inspiration. My mother, since when I was a young boy, my mother always told me कि जो बेजुबान होते हैं उनका ध्यान रखना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है. तो मैं बचपन से ही ये मम्मी का जो मोटिवेशन रहा है और मम्मी का जो साथ साथ में सलाह रहा है कि जितना हो सके उतना सेवा का भाव रखिए और जानवरों के लिए सेवा करिए, तो मैं उस हिसाब से ही चलता गया हूँ. आप सोच लो, मम्मी भी देख रही है, पापा भी देख रहे हैं, पापा के लिए भी कुछ बोल दो. पापा तो क्रिएटर है, पापा तो ये सब उनके बिना तो ये कुछ होगा नहीं. और हम तो एक छोटा कार्य करते रहे, पापा हमारे इंस्पिरेशन. पापा ने तो ये पूरा जो आप देख रहे हो इनका रिफाइनरी, ये सब चलने का कारण उनके कारण है. व्हाट हैव यू लर्नड? व्हाट्स द वन थिंग यू हैव लर्नड फ्रॉम योर फादर? So my father always tells me that work hard and never go back on your mistakes, learn from your mistakes. कभी भी postmortem मत करना. Postmortem मत करना. पापा बोलते हैं कि जो हो गया सोच लो, but ये मत postmortem mode में मत आगे बढ़ो. And जब कुछ करना है तो भारत के लोगों के लिए करना है. जैसे कि business भी हो जो होता है उससे आम आदमी का कैसे भला होगा, आम आदमी का life उससे कैसे सरल होगा, उस पर आप concentrate करिए और तब आपका business दौड़ेगा. तो आप कैसे करने की कोशिश? योर फोकस इज ऑन रिन्यूएबल, राइट? हमारा फोकस यही है कि सोलर एनर्जी हो गया. हमारा फोकस है कि हम ग्रीन बायो एनर्जी हो गया. तो अभी जो स्टबल है उससे अगर गैस बनेगा तो बहुत सारे लोगों का पोल्यूशन भी कम होगा और गैस भी कम दाम में बिकेगा. आर यू वेरी कंपेरेटिव? माई फादर हैज टोल्ड मी कॉन्सेंट्रेट ऑन अ प्रोडक्ट, नो नीड टू बी कम्पेयर. हम कॉम्पिटिशन के बारे में सोचते नहीं. हम वी आर वेरी सेल्फ फोकस्ड एंड हम ये सोचते हैं कि हम हमारा कैसे सबसे अच्छा करें. और कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, दैट इट मेक्स आवर प्रोडक्ट बेटर. सो दिस इज द मैंगोज माय दादा, माय ग्रैंडफादर, माय मदर प्लांटेड. ये नील गाय, ये नील गाय. हमारे पास हजारों नील गाय और ये खुद आ जाते क्योंकि हमारा जो बाउंड्री है वो डायरेक्ट जो फॉरेस्ट लैंड है उसे हमने बाउंड्री नहीं किया है. तो यहाँ जानवर का माइग्रेशन होता है. यहाँ तो तेंदुआ भी देखा जाता है. रात को अगर आप आओगे तो आप अगर दो रात में से एक रात में आपको तेंदुआ दिखेगा.
जो हाथी है वो आके नहीं खाता? जो हाथी इसलिए नहीं खाता क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी इतना फोडर दिया है, उनको पता है कि इनका नुकसान नहीं करना। आपके सामने हाथी यहाँ चल रहा है ना, देखिये जब भी आप जानवर को पालोगे जानवर महसूस करता है कि मालिक का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो हमने आम में भी एक, आप जो ये ब्लू रंग का देख सकते हो, ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाया है, तो इससे जो दीमक है वो आम पर नहीं आते, ये भी हमने यहाँ बनाया है। आप क्या चाहते हो कि आपकी लेगेसी क्या हो? Is this animals or will it be business? What will be your legacy? देखिए वो तो जो भगवान को मंजूर है वही होगा, हम तो हमारे खुद की लेगेसी डिसाइड नहीं कर सकते। What would you like it to be? Animals is not your काम, that is passion. That is only passion, that's सेवा। देखो ये मैं सबको बोलता हूँ, ये एक प्राणी संग्रहालय नहीं बना रहा हूँ मैं, ये प्राणी सेवालय बना रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि जो मैं एनिमल्स के लिए कर रहा हूँ उससे मुझे मत जज करो, मैं बिजनेस में क्या करता हूँ, जज मी एज अ बिजनेसमैन फॉर व्हाट आई डू इन द वर्ल्ड ऑफ। अभी तो मैं मेरे आपको जैसे बताया कि अब तो हमें बहुत कुछ करना है, अभी हमने कुछ हासिल नहीं किया, बहुत आगे जाना है। अब तो हमने आई वुड से लेस देन 1% भी मेहनत की है, पापा जो हिसाब से आगे बढ़ते हैं हमें उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। अभी हमें अपने खुद के बलबूते पर जब हम कुछ करेंगे तब आप मुझे बोलना, हमें मेहनत करना है। आप मानते कि अभी कुछ नहीं है? अभी तो हमें आगे बढ़ना है ना, बहुत मेहनत करना है। ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगा कि अभी तक हमने कुछ किया नहीं, बट आई कांट से कि हमें बहुत मेहनत करना है और हमें एक टीम को लेकर आगे चलना है। एक से कुछ नहीं होगा, पूरा रिलायंस परिवार, हमारा परिवार सबको लेकर हमें मेहनत के साथ आगे करना है। मैं सबसे छोटा हूँ तो मेरे भाई से और मेरे बहन से भी सलाह लेता हूँ। कोई भी हाथी अगर जो बीमार होता है तो उनके लिए हमने एक शेड बनाया है, तो ये शेड हमने, मैं जो भी है भारत के शिल्पकार और भारत के जो कारीगर है उनसे बनवाता हूँ। आपने पूरा देखा होगा कि आई बिलीव इन मेक इन इंडिया, तो हमने ये जो है ये काठियावाड़ी शिल्पकार से बनवाया है। अभी पीएम ने बोला वेड इन इंडिया, तो आप तो शादी भी यहीं पे, पीएम ने जो बोला कि वेड इन इंडिया, कोई हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो मेरी दादी का जन्म भूमि जामनगर, मेरे पापा और दादा का कर्म भूमि जामनगर है, मैं यहाँ पला हूँ और मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हम ये करें। और प्रधानमंत्री साहब ने अगर बोला कि शादी आप जितने भी हो सके उतना वेड इन इंडिया करिए, उससे बड़ा क्या चीज, खुशी की बात है हम हमारे देश में शादी करें। और हम तो हमारे जो दादी का घर है, पापा कहते हैं कि दादा का ससुराल में हम शादी का जो हमारा महोत्सव है, इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं। और क्योंकि जामनगर में यहीं पला बड़ा हूँ। बॉम्बे का लड़का टिक जाता है जामनगर में? आपके सामने बैठा हूँ, अभी आयो, मैंने सुना है कि बहुत टाइम स्पेंड करते हो आप यहाँ। मैं यहाँ 28 साल में, मैंने जामनगर में 15 साल बिताया है। एनिमल किंगडम एलिफेंट किचन। ये हाथी के लड्डू और उस लड्डू में क्या फर्क है? वो सेम लड्डू, सेम लड्डू है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ। चखिए एक, पक्का 100% चखिए, सेफ डॉक्टर पेट्रा, 100% फॉर द एलिफेंट्स वी गिव डिफरेंट डिफरेंट, सो वन डे दे विल गेट रागी, वन डे दे विल गेट दिस, वन डे दे विल गेट दिस एंड वन डे दे विल गेट दिस। सो व्हिच वन शुड आई ट्राई? यू कैन ट्राई व्हिच वन एवर यू वांट। आप भी खाइए धुले राजा साहब। नहीं नहीं, मैं तो डाइट पर। डाइट क्या बोल रहे हो, डाइट चल रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट ने रोका हुआ है खाने से आपको? ओहो, इसमें शक्कर बिल्कुल नहीं है, हम गुड़ से बनाते हैं हाथी के लिए लड्डू। खिचड़ी बन रही है तो यहाँ हम लोग 50 किलो खिचड़ी बन रही है, वहाँ 50 किलो खिचड़ी बन रही है, तो ये हाथी का खिचड़ी बनता है रोज। जितना भी खिचड़ी में जो सामग्री जाता है वो सामग्री के लिए भी हमारे पशु वैद्य ने हमें समझाया है, पुराने जमाने के पशु से हम केरला से लाए थे, उन्होंने बताया, तो वो हिसाब से हम खिचड़ी बनाते हैं। ये खिचड़ी सेक्शन के बाद पॉपकॉर्न सेक्शन, ये इनका ट्रीट है, क्योंकि जब डॉक्टर उनको कोई दवा देती है या डॉक्टर जब हमारी डॉक्टर उनका ब्लड लेते हैं या कुछ, तो हाथी को कुछ ट्रीट देना पड़ता है। माँ वो इतनी बड़ी बड़ी रोटियां भी जो हाथी है, एक हाथी दिन में 5 रोटी खाते हैं, हमारा ऑटोमेटिक रोटी का मशीन बनाया गया है, तो आप देखोगे कि ये रोटी खाता है एक हाथी, पांच सुबह 5 शाम को 5 बस। तो गरम गरम हाथी को गरम गरम खाना मिलता है, थर्मल कंटेनर में जाता है खिचड़ी। और ये जो हम बना रहे हैं ये उनका जो जो हाथी एकदम जैसे हमारी जो 80 साल की हाथी है वो चबा नहीं सकती, तो उनके लिए जूस बन रहा है। आनंद भाई ये इंसान खा सकता है ये हाथी की खिचड़ी? आपके लिए देता हूँ मैं थोड़ा। पक्का? हाँ दीजिए। टेस्टी रहेगा? कैसा रहेगा? एकदम टेस्टी रहेगा, आप थोड़ा खा लीजिए। मैंने जो लंच में खिचड़ी खाई थी उससे बेटर है ये खिचड़ी। इट्स वेरी नाइस। अच्छा ये वो हाथी का जूस है जो आपने वहां से हाथी का जूस मंगाया राहुल जी? आप एक ये बताओ आनंद भाई, आपके साथ हाथी का खिचड़ी और हाथी का जूस, अमेजिंग, दिस इज लाइक लिविंग द लाइफ एलिफेंट साइज। मैं जब रिलायंस में लोगों से बात करता हूँ
तो कई कहते हैं कि अनंत में वो धीरूभाई अंबानी वाली फीलिंग आती है, उसकी झलक दिखती है, आप ही के इर्द गिर्द जो लोग हैं वैसा क्यों बोलते हैं अनंत? ये तो बहुत बड़ी बात है, आई डोंट थिंक इवन आई एम इक्वल टू दैट। आई झलक नजर आती हो, उनको ही पूछना पड़ेगा मुझे, आपको मुझे कैसे सुना तो होगा ये। देखिए मैं मेरे बात खुद के बारे में प्रशंसा कैसे सुनूंगा, आप पे प्रेशर है क्योंकि धीरूभाई अंबानी इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल्स में थे, आपके पिता ने जो आपके दादा ने बनाया उसको भी आ लगे, जैसे ये डिनेस्टी का जनरेशन डाउन जनरेशन का प्रेशर फील करते हैं आप? बिल्कुल नहीं, मुझे ये लगता है कि हमें जो भी करना है दिल से करना है। स्ट्रिक्ट है आपके पिताजी आपसे बात करते बहुत रिस्पेक्ट में, डर के बात करते, स्ट्रिक्ट है क्या आपके पापा? बिल्कुल नहीं, पापा मेरे सलाह दोस्त है, स्ट्रिक्ट से ज्यादा दोस्त है पापा। उन्होंने सपोर्ट किया पूरा, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, उनके बिना ये नहीं हुआ। उन्होंने खाली एक चीज बोला कि अगर आप कुछ कर रहे हो और सेवा का काम कर रहे हो तो सेवा को बिजनेस में मत जोड़ना, सेवा खाली सेवा होना चाहिए एंड बिजनेस खाली बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस में भी सेवा का भाव होना चाहिए। जैसे कि आप, मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कि पब्लिक के लिए ऐसे करिए कि जहाँ पब्लिक को लाभ हो, उनको सस्ता में कुछ मिले। पिछली दफा आपसे मुलाकात हुई थी आनंद भाई, तो हम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिले थे। जी, मेरे जिंदगी का सबसे सफल दिवस वो था। ऐसे क्यों? राम इतना भव्य मंदिर बना है और वहाँ का जो वातावरण बना था वो दिन, ऐसे वातावरण तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हम सबके लिए बचपन से एक सपना रहता था कि एक दिन मंदिर होगा, और मंदिर हुआ और वहाँ का दर्शन मिलना हमारे लिए बहुत, और वो दिन वहाँ आना, आपको, आप भी वहाँ थे तो वहाँ का जो माहौल था, माहौल तो ऐसे जिंदगी में वापस कब नहीं बन सकता। मेरे जिंदगी का अब तक सबसे खुश दिवस वो दिन था। और शादी? शादी तो अभी हुआ नहीं है ना। काफी मुझे आप प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित नजर आते हैं, काफी इंप्रेस नजर आते हैं आप पीएम से। हम सब भारत के नागरिक, हमारे जो प्रधानमंत्री हमारे नेता है, तो हम उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक है, बट जो उन्होंने किया है, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। आइए, ये प्राचीन मंदिर है जिसको आपने रिफर्बिश किया? जब ये जमीन था, ये गांव का छोटा सा माता जी का मंदिर होता था, तो मंदिर का थोड़ा हालत खराब हो गया था, मंदिर थोड़ा टूट गया था, तो हमने मंदिर को पूरा नया बनाया। अच्छा। और ये जो पूरा पत्थर है, हमारे गुजरात में एक अंबाजी करके एक मंदिर, बहुत प्रसिद्ध देवी का मंदिर है, तो हमने पत्थर भी वहां की जगह से लाया। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य गबर्दिनी शैल सुधे मां रम्य गबर्दिनी शैल सुधे। आप अपने आप को काफी धार्मिक मानते हैं ना? जी, मैं बचपन हमारे मेरे घर में दादी जी और दादा बहुत धार्मिक थे, हमारे घर में सब, मैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा भाई बहुत बड़ा शिव भक्त है, मेरे पिताजी, आप गणेश के भक्त हैं, वो शिव जी के भक्त हैं, हम सनातन में तो हम हर एक भगवान के भक्त हैं, हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो ये जो आप मुझे बातें बता रहे हैं, जो पब्लिक में परसेप्शन है आपके बारे में, वो उससे काफी अलग है, क्योंकि सोचते हैं कि लोग ये बिजनेस में ज्यादा ध्यान रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में इतना ध्यान है कि नहीं, काफी अध्ययन किया है आपने इन चीजों का? अब तक हमने लगभग 9 भागवत गीता के पाठ किए, मेरे जिंदगी में हमने ऑलरेडी 9 भागवत गीता के पाठ किए, और ये तो बताने वाली चीज नहीं होती है भाई साहब। पॉलिटिक्स में रुचि है आपकी? नहीं नहीं, जीरो? नहीं, दूर दूर से कुछ नहीं। न्यूज देखते हैं आप? न्यूज बिल्कुल देखता हूँ, आपका आज तक तो कौन नहीं देखता है, आप तो बहुत बहुत अच्छा आप चलाते हो, और आपका आपका न्यूज देखने के लिए बहुत लोग खुश होते हैं कि आपको टीवी पर कब देखा जाए। मेरे यहाँ जितने भी हमारे घर के, जितने भी हमारे घर पे जो स्टाफ है, सब आज तक ही देखते हैं, तो हम सब छोटे से अभी तक, हमारा आज तक, और हमारा जब बचपन में हिंदी टीचर होता था श्री रमन सर, वो हमेशा कहते थे कि हिंदी में रोज क्लास से पहले 1 घंटा आज तक सुनकर आना, और हमें पता है, हमें फिर टिप्पणी देना पड़ता था, तो उस टाइम से हमें तो क्लास से ही सिखाया गया आज तक देखना है, तो उस टाइम से हम देखते थे।
आपके जो सारे दुनिया भर से गेस्ट आ रहे हैं आपकी प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस के लिए, उनको आप इस जंगल सफारी पे लेके जा रहे हैं? जो सारे गेस्ट आएंगे उनके लिए जंगल सफारी नहीं है, क्योंकि ये खाली एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये हम लोग मनोरंजन के लिए नहीं करते। और मनोरंजन क्या, ये एक आपको मैंने बताया कि चिड़ियाघर मनोरंजन के लिए होता है, यहाँ हमने एक सेवालय बनाया है। तो अभी आप नर्वस है, एक्साइटेड है, दिल के अंदर की फीलिंग क्या है? दिल के अंदर की फीलिंग यही है कि जो भगवान चाहेगा वही होगा, और एक नया शुरुआत के लिए बहुत एक भगवान से आशीर्वाद और आप सब जैसे लोग से आशीर्वाद मांगता हूँ। नर्वस होने की इसमें कोई बात नहीं है। आप ऐसे ही बोल, अब आप ऐसे डायलॉग मारे, शादी से पहले हर लड़का लड़की तो शादी तो जुलाई नहीं, हमें आनंद लेना। और रिवर्स तो हमने वही दिन सोच लिया था कि कोई रिवर्स ईयर नहीं है, जब मैं राधिका को मिला था। तो इससे सच में मैं कोई डायलॉग नहीं मार रहा, मैं नर्वस नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि आप मम्मी पापा दोनों से बहुत क्लोज है। मम्मी पापा मेरे लिए बहुत प्रेरणा है। आप हमेशा अपने भाई बहन की बात करते हैं, लेकिन पूरे देश ने देखा किस तरीके से पिछली जनरेशन में एक फाइट हुई जब सक्सेशन हो रही थी, क्या आपको कहीं ना कहीं वो एक चिंता सताती है? मेरे को बिल्कुल ऐसी चिंता नहीं सताती है। मेरा भाई मेरा राम है और मेरी बहन एकदम मेरे लिए माता के स्वरूप में आते हैं, माता जी के स्वरूप में आते हैं, हमेशा मेरा रक्षा करते हैं। तो जैसे वो कहेंगे वो करूँगा, और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है, हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, हो ही जाता है, इनेविटेबल, आगे पीछे लोग करा ही देते हैं कोई ना। देखिए अगर आप आगे पीछे वाले का सुनोगे तो कॉम्पिटिशन होगा, अगर हम एक दूसरे में विश्वास रखेंगे तो कंपटीशन होने का कोई चांस अभी है? ऐसी दोस्ती है, ऐसे दोस्ती हम जुटे फेविक्विक से चिपके हुए हैं। फेविक्विक से जी। आप कह रहे थे कि राधिका के साथ आपको यहाँ पे जामनगर में डेट पे निकलने का शौक है, ये तो बहुत अच्छी जगह भी है शाम में डेट पे निकलने के लिए। तो हूज लकी, राधिका इज लकी और यू आर लकी? आई एम लकी फॉर श्योर, शी इज द पर्सन ऑफ माय ड्रीम्स एंड आई थिंक आई एम द पर्सन ऑफ योर ड्रीम्स। क्योंकि देखिए अभी जो मैंने सोचा था, मैं आपको सही बात बताता हूँ कि बचपन में मैंने सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूँ। आपने ऐसा सोचा था? जी। क्यों? मैं मम्मी पापा को हमेशा बोलता था, क्योंकि मैं हमेशा अपने जानवर की सेवा में लगा रहता था। मैं इनको मिला, ये मेरे जैसे सोचते हैं, इनका भी सेवा का भाव है, जानवरों पर बहुत प्रेम है, उससे ज़्यादा ये बहुत ऐसे मेरे साथ जितने भी कठिनाई हुई मेरे स्वास्थ्य के साथ हमेशा एक मजबूत ताकत जैसा खड़ी रही। ये जितने चैलेंजेस आपने देखे हैं ना, खासतौर से अपने हेल्थ को लेके, ज्यादातर लोग टूट जाते होते हैं चैलेंजेस में। जी आपका आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। मेरे से बहुत ज्यादा लोग तकलीफ में हैं, और मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी किया अच्छे के लिए किया, और मैं लड़ा और भगवान साथ में रहा। आप जैसे बहुत लोगों का आशीर्वाद था, मेरे चाहने वाले लोग का आशीर्वाद था, मेरा परिवार, मेरे माता जी और पिताजी ने कभी मुझे ये भी फील नहीं होने दिया कि मैं थोड़ा भी बीमार हूँ। और जैसे आप बोल रहे थे, आजू बाजू वाले जो बोलते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहता। देखिए बोलने वाले का काम बोलना है, और हमें तो उनको भी यहाँ जीना है, हमें भी यहाँ जीना है, तो हम सब हाथ जोड़ के जीते। हम लोग इस सफ़र को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। आखिर में मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप अब से 10 साल 20 साल 30 साल बाद इस जगह को और अपने ग्राफ को देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? आपके ग्रैंडफादर का विजन पूरी दुनिया ने देखा, आपके फादर का विजन, आपका विजन फ्रॉम हियर ऑन? तो मैं शॉर्ट टर्म गोल्स में मानता हूँ, मैं ज़्यादा लंबा का नहीं सोचता, मैं आज कल का सोचने वाला आदमी हूँ। तो अगला 5 साल 10 साल तो आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। हमारे बिजनेस के माध्यम से या हमारे कारोबार के माध्यम से हम भारत के लिए कैसे कुछ और कर सकते हैं और भारत को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, यही हमारा एक विजन रहेगा। आनंद भाई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इतना वक्त दिया, आपकी ज़िंदगी के इतने अहम सफ़र से कुछ दिन पहले, हम शुक्रगुजार हैं उसके। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड मेकिंग दिस जब वी मेट सो स्पेशल। वी राइट नेक्स्ट टू टेम्पल एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू एंड एज वेल। भगवान के ब्लेसिंग्स लेके आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आई विश राधिका ऑल द बेस्ट एंड to the family as well for a journey. May you live happily ever after. Thank you. Thank you for joining me on the best.